सबसे बड़ा कारण है। मिट्टी गूंथती ये महिला कोई मिट्टी का घड़ा या बर्तन नहीं बनाने जा रही है। दरअसल ये महिला और इसके जैसे कई लोग सरकारी उपेक्षा का शिकार हैं। ये तस्वीर है पीलीभीत संसदीय क्षेत्र के पूरनपुर विधानसभा के रानीगंज गांव की। बुनियादी जरूरतें तो छोड़िए, इस गांव के ज्यादातर लोगों को छत नसीब नहीं। ये लोग फूस की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। हाँ मिले, जैसे आधे नहीं मिले आधे रह गए। अच्छा। हाँ बिलो कैसे रह रहे हैं अब भैया? जैसे गुजर हो तैसे कर रहे हैं गुजर। घास कूड़ा लाओ, जंगल फंगल पता ही लाओ तो बटोरी बांधा थे। तो कभी उन लोगों ने प्रधान से नहीं कही कि उनको भी मकान? प्रधान और प्रधान तो कही, सबसे कही आप लोगों से। क्या कहते हैं? मैं कहा था आगे पीछे मिल जाएंगे, ये कह रहे हैं। मिले हैं, सबको नहीं मिले हैं कि झोपड़ी है और हमारे रहने को जगह नहीं है। तो आपने प्रधान से बात की इसमें? हाँ प्रधानों से कही तो उनने जा कही दी कि देखो तुम्हारे नाम आएंगे तो देंगे, नाम नहीं है भाई। घर वाले हमारे झाला पर काम करते, मतलब खाना करें आई कि देखो मकान बनावे। तो आपने जब प्रधान जी से बात की तो क्या बोले? प्रधान जी तो ऐसे हैं जिस कोई खवाई पे आ जाए तो उसको मकान बनाते हैं, उसकी हर बात सुनते हैं, अब गरीब आदमी की कोई बात नहीं। इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना की पोल खुलती नजर आ रही है। ये बेबस और लाचार गांव वाले एक अदद छत के लिए तरस रहे हैं। लाख गुहार लगाई लेकिन इनकी सुनी नहीं गई। इनके पास ना तो घर है ना शौचालय है। आपको बता दें कि पूरनपुर विधानसभा के विधायक हैं बीजेपी के बाबूराम पासवान साहब। कुछ लोग मिले, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ना जमीन है ना जगह है, मतलब सही शुद्ध बनी बनाई झोपड़ी ऐसी देख लो आप, इन्हें झोपड़ी में रहा था गुजारा कर रहे हैं। अपना लेटरिन होती हैं, उनने चच्चा उनने भतीजे इनको दे दें अपने किसी को, और बाकी नेता लोग जो है नेतागिरी चलता है और बाकी किसी ना।